कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन ने कड़ा निर्णय लेते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। पहले जो लॉकडाउन शुक्रवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू था, अब वह मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। एडीएम फाइनेंस ने कहा कि केवल अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, दूध सप्लाई, बिजली सहित जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वह चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि केवल सार्वजनिक व सरकारी वाहन चलेंगे जो एक जिले से दूसरे जिले में यात्रियों को पहुंचा सके। एडीएम फाइनेंस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ना है तो इस समय घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर बोल रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय ने शासन के निर्देश पर आदेश यहाँ निर्गत कर दिया गया है, जो आज सायंकाल अर्थात शुक्रवार की शाम 8 बजे से लेकर और मंगलवार की सुबह 7 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा या एक प्रकार का कर्फ्यू रहेगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस दौरान आप घरों से बाहर न निकलें। इसमें केवल और केवल जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे मेडिकल स्टोर है या बिजली इत्यादि है, जो अति आवश्यक सेवाएं हैं केवल वो चलती रहेंगी, बाकी सभी लोग घरों पे रहेंगे। वाहनों का आवागमन भी नहीं होगा, केवल और केवल सार्वजनिक वाहन चलेंगे जो एक जिले से दूसरे जिले को जा रहे होंगे। जनता से यही अनुरोध है कि कोविड की चेन तोड़ना है, लिहाजा वो इस समय घरों में ही रहें।